An incident that has shook the conscience of the nation, and not only the conscience, but also has raised many questions on the capability of people, if at all they can go ahead and interfere when some gruesome crime is happening right in front of their eyes. Currently, I'm reporting from the residence of Sahil. Remember, Sahil is the main accused in this entire matter. And this is the residence of Sahil where Sahil was residing over the last 2 years. Currently, the person that you see on your frame is the landlord of Sahil. Sahil, आपके घर में रहता था भैया, कब से रह रहा था और कौन कौन लोग यहाँ रहते थे? साहिल को 2 साल हो गया था जी यहाँ रहते हुए. उसकी 3 बहनें रहती थी, माँ बाप रहता था, साहिल रहता था, 6 मेंबर रहते थे यहाँ पे. जी, आपका 2 साल यहाँ पर रहा, तो कैसा व्यवहार था साहिल का? कभी लगता था कि ऐसा कुछ कांड कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं था जी. कोई कंप्लेन आती थी? नहीं जी, कोई कंप्लेन भी नहीं आती थी. ना ही हमसे लड़ाई झगड़ा कभी किया, ना उल्टा बोला किसी ने. हैं, और दिखने में तो नहीं लगता था, बाकी अंदर की बात साहब कौन जानता है कि कैसे है. तो आप 2 साल से जानते हो उसको, ऐसा क्या हुआ होगा कि साहिल ने इतना बड़ा कदम उठाया? आपको क्या लगता है कि ऐसा? साहब, अब उसके दिमाग की बात है जी. अब किसी के भी दिमाग की बात को हम क्या समझ सकते हैं. कल रात को साहिल वापस घर आया था? नहीं जी, कल रात से घर नहीं आया. हाँ, अच्छा. और ये परिवार वाले कहाँ हैं अभी, इनका कुछ पता लगा है? अब इनका भी पता नहीं है. लंच तक का तो यहाँ थे, 12 बजे के बाद में ये भी चले गए. बाप इनका थाने में है. और ये काम क्या करते थे? साहिल ही बस काम करता था या और लोग भी? नहीं, कुछ फैमिली के काम करते थे. साहिल भी काम करता था. नमस्कार भैया. साहिल भी काम करता था. इनके पापा ये दरवाजे ग्रिल का काम करते थे, माँ इनकी दुकान डाल रखी है लिखने पढ़ने काफी किताब की. एक बहन इनका डॉक्टर है, क्लिनिक में रहती है, नर्स होगी या कुछ भी होगी. दो जो छोटी बहनें थी वो स्कूल जाया करती थी. तो परिवार वालों ने कभी ऐसा कुछ आशंका हुई कि ऐसा कुछ हो सकता है, कभी करवा सकते हैं? नहीं जी. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सो ही वॉज द लैंडलॉर्ड इन विच ऑफ द हाउस इन विच साहिल वॉज रिजाइडिंग ओवर द लास्ट 2 ईयर्स. नाउ वॉट हैज बीन डन, ही इज क्लियरली सेइंग दैट साहिल डिड नॉट अपियर टू बी अ काइंड ऑफ पर्सन हु वॉज दिस वॉलेंट एंड हु कुड गो अहेड एंड कमिट सच अ ग्रूसम क्राइम. बट येस, ऑन द अदर हैंड, द एंटायर फैमिली मेंबर्स ऑफ साहिल इज नॉट इन द हाउस एट दिस पॉइंट इन टाइम. वॉट वी आर बींग टोल्ड दैट टिल लंच दे वर प्रेजेंट ओवर हियर. Post that the father has been taken to the police station and the entire family might also be in the safety of the police at this point in time. So yes, what remains to be seen now since Sahil has been arrested? What more can he reveal which could actually spell out the details of what was going in his mind when he decided to go ahead and kill that 16-year-old girl in broad daylight, in full public view? Till then, the investigation is on. Sahil has been brought back at this point in time from Bulandshahr to the national capital where he will be investigated. Now, the statements of Sahil are going to be very, very important. But yes, this was the residence in which Sahil was living. And after committing the crime, he did not return back to his house. With video journalist Narayan, this is Anshul Singh for CNN News 18.